हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके फेस शेप कौन कौन से हैं और कौन सा हेयरकट उस पर अच्छा लगने वाला है। एक्चुअली मैंने ये एक वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैं इसके बारे में हमेशा बताता रहता हूँ, इवन इन मेकअप क्लासेस एंड हेयर क्लासेस, कि आपका जो फेस शेप है वो कैसा है, उसको क्या नाम से बुलाया जाता है और आप उस पर कौन सा हेयरकट कर सकते हो या करवा सकते हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो रेडी हो जाइए आज की वीडियो देखने के लिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपका फेस शेप कौन सा है और हेयरकट कौन सा अच्छा लगेगा। सो बी रेडी। तो इस बार जो हम वीडियो लेके आए हैं ये बिल्कुल नई है, बिकॉज 2 साल पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी कुछ नया डाला गया है इसके अंदर। सो ये वीडियो ज़रूर देखें और बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो सब लोगों की आंखों के लिए। सब लोगों जब आपको देखते हैं तो आप कैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो इसमें, और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो विद दिस वीडियो। सो स्टार्टेड। इस बार जो मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी सारी नॉलेज होगी जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, आपके ऊपर थ्रो करने वाला हूँ ताकि आप लोग उसको गेन कर पाओ। और इसमें एक्चुअली हम बात करने वाले हैं टोटल 6 फेस शेप के बारे में, और इसमें हर एक फेस शेप के बारे में पता चलेगा और आप अपना फेस शेप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो, और आगे सब जो भी हेयर कट्स हैं एनीथिंग एल्स जो भी है वो आप देख सकते हो, करवा सकते हो और कर सकते हो। ओके, स्टार्टेड। सो लेट्स डू इट। तो इसमें आप जब भी मैं फेस शेप के बारे में बताने वाला हूँ तो आप जाइए एक मिरर के आगे खड़े हो जाइए, और जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा आपको एकदम पता लग जाएगा कि आपका कौन सा फेस शेप है। ओके, और अगर उसमें से नहीं है तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और 6 फेस शेप बताने वाला हूँ तो आई होप उसमें से आपका एक फेस शेप होना चाहिए। ओके, सो बी रेडी, मिरर के आगे जाके खड़े हो जाइए और मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डायमंड शेप। आप लोगों ने सुना होगा डायमंड के बारे में। तो ये जो शेप होता है ये एक्चुअली कैसा दिखता है, जिसमें जॉ लाइन बहुत पॉइंटेड होती है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो चीक बोन्स हैं वो काफ़ी एंगुलर होते हैं, काफ़ी एंगल होता है यहाँ पे, एकदम बाहर निकले हुए होते हैं, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं फोरहेड बहुत छोटा हो जाता है। इट इज लाइक डायमंड शेप। ओके, तो इसको डायमंड शेप बोलते हैं। जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो पहचानिए कि आपका फेस क्या डायमंड शेप है। तो अभी हम बात करने वाले हैं राउंड शेप के बारे में। राउंड शेप, ओके, इसके बारे में बताने वाला हूँ। राउंड मतलब एक प्रॉपर सर्कल जिसमें कोई जॉ लाइन नहीं दिखती आपको, कोई एंगल्स नहीं दिखते, जो एंगुलर मतलब बाहर चीक बोन्स बाहर नहीं आती हैं, प्रॉपर एक गोल चेहरा, एक राउंड फेस। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि राउंड फेस कैसा होता है, राइट? ओके, अभी हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। ओके, ये एक्चुअली कैसा दिखता है कि आपका जो फोरहेड है और ये लेंथ है ये सेम होती है, ये लेंथ एंड ये लेंथ इवन होनी चाहिए, और यहाँ से भी, दैट मीन ये स्क्वायर फेस है। बट ह्यूमन बींग्स के काफ़ी, आप अगर मैच करने जाओगे तो काफ़ी सारे फेसेस आते हैं, ऐसे होते हैं जो एकदम से स्क्वायर नहीं दिखते हैं, बट सब परफेक्ट नहीं होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट। तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ ये स्क्वायर है, और यहाँ पे ये जो एरिया है जो लाइन का ये काफ़ी बाहर होता है, स्ट्रेट होता है, यहाँ से भी बिल्कुल सीधा इसी तरीके से, और ये जो है ये ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी होती है। ओके, इट्स लाइक अ स्ट्रेट। तो ज़्यादातर फेसेस जो स्क्वायर हैं वो ऐसे दिखते हैं। ओके, और आगे चलते हैं न्यू फेस के ऊपर बात करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओब्लोंग, मतलब रेक्टेंगल, जिसमें क्या होता है ये जो एरिया होता है ये काफ़ी लंबा होता है, और ये मान लो अगर ये 1 पार्ट है
और ये उसका डबल होगा, ओके। और ये एरिया भी सीधा होता है, और ये फेस जो है, जो आपका जो लाइन वाला पार्ट है और फोरहेड वाला पार्ट है, वो छोटा होता है और ये ज़्यादा लंबा होता है, इसको रेक्टेंगल, ओके। सो ये फेसेस भी देखने को मिलते हैं काफ़ी जगह पे, काफ़ी लंबे फेस होते हैं ये, और जैसे कि आप देख रहे हो। और ये जो फेस है ये एक्चुअली सिमिलर है जो हमने बात की है काफ़ी सारे फेसेस के बारे में पहले से, ये ऑलमोस्ट सेम सिमिलर है, मिलते जुलते हैं और उसका मिक्सचर है, ओके ओके। अभी हम बात करते हैं हार्ट शेप के बारे में। हार्ट शेप, जैसे कि आपको पता है, हार्ट शेप, मेरा फेस भी हार्ट शेप जैसा है। आप देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट है, देन ये वाइड है यहाँ से, इट इज़ लाइक अ हार्ट शेप, ओके, बिकॉज आई लव यू गाइज, इसलिए। और इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये जो चिक्स बोन्स होती हैं ये बहुत बाहर होती हैं थोड़ी सी, यहाँ पे एक पॉइंट होता है और ये यहाँ पे वाइड होता है इस तरीके से। तो ये हार्ट शेप ऐसा दिखता है, और आपकी जो चिन है, आपकी जो चिन है वो बहुत ज़्यादा बाहर होती है, बहुत बाहर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पॉइंट होता है, बट एटलीस्ट इट इज़ अ हार्ट शेप, इट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट ओके। अभी हम बात करने वाले हैं ओवल फेस। ओवल के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा और काफ़ी फेमस है ये फेस। एक्चुअली जितने भी फेसेस हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से आप देखोगे तो एकदम राउंड है, फिर स्ट्रेट है, और बहुत ज़्यादा शार्प होता है हर जगह से। इट्स लुक सो शार्प, और ये देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है आप देखोगे तो। एक्चुअली सब फेसेस ऐसे अच्छे दिखते हैं, बट दिस विल इज लाइक टोटली जो एकदम से यू नो स्लाइटली यू नो राउंडेड आउट यू नो। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि ये कौन से फेस शेप के बारे में मैंने बात की है और आपका कौन सा फेस शेप है। और अगर आपको नहीं पता चला है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले हैं, ओके। तो अभी इसके बाद हम एक गेम प्ले करने वाले हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा और आप लोगों को गेस करना है कि ये सेलिब्रिटी जो है इसका कौन सा फेस शेप है। और इसमें मैं कुछ आपको ऑप्शंस भी दूंगा, उस ऑप्शन से आप बता सकते हो, और इसमें शायद आप बहुत सारा पैसा भी जीत सकते हो, आई थिंक 10 लाख या 20 लाख जैसा, बट वो असली मनी नहीं होगी, ओके। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो गेम है वो हम प्ले करने वाले हैं, ओके ओके। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है जे लो। जे लो बहुत सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैंने बात की है, और सबसे पहले है डायमंड, ओवल एंड स्क्वायर। तो आपको क्या लगता है जो जेलो का फेस है वो कैसा दिखता है, बताइए बताइए। अगर आपने बोला है डायमंड तो आप एकदम सही हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लिप पे जाते हैं। आप जेलो के जो फेस है उस पर एक उंगली ड्रॉ करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा दिख रहा है। डायमंड है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसके चिन का, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, चिक बोन्स बाहर हैं, एंड अगेन देयर इज अ पॉइंट, ओके ओके। हमारे पास जो अभी सेलिब्रिटी है वो है जेसिका। इसका फेस आप देख रहे हो, उसका हार्ट शेप फेस है, डायमंड है या राउंड है, या आप लोगों को गेस करना है और बताना है, ओके अगर आपने चूज किया है हार्ट शेप तो आप एकदम सही हो। जैसे कि आप देख रहे हो इनके फेस पे, यहाँ पे ये जो लाइन है एकदम बाहर आ रही है, एंड जो पॉइंट्स है ये चिक बोन्स भी बाहर हैं, एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, इट्स कॉल्ड हार्ट शेप, राइट। आप लोगों को समझ आ रहा है, यस आई न्यू इट, ओके। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोरेंडा के बारे में। ये इसका फेस देखिए और बताइए कि ये स्क्वेयर फेस है, ओब्लोंग है या राउंड है। अगर आपने बोला है राउंड फेस तो आप एकदम राइट हो, यू नो दैट, उसका फेस एकदम राउंड है, यहां से आप देख रहे हो एक प्रॉपर राउंड आ रहा है, सी आई टोल्ड यू, यू गाइस आर गेटिंग इट,
राउंड शेप का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका राउंड फेस है तो आप बहुत गंदे दिख रहे हो या बुरे दिख रहे हो. सम गर्ल्स लाइक, हाँ मेरा राउंड फेस है और मैं बहुत गंदी लग रही हूँ. नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. प्लीज़ आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स लाओ. और जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, इस सेलेब का भी राउंड फेस है एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, यू नो दैट. सी, जैसे कि आप फेस में देख रहे हो, कोई शार्प जॉलाइन नहीं है, शार्प चिकबोन्स नहीं है, एकदम स्मूथ एंड राउंड है. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है एंजेलिना जॉली. इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, बहुत सारी मूवीज, राइट, बहुत सारी मूवीज देखी हुई हैं. और इसमें बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली, इसमें तीन ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको. ये ओब्लोंग है, हार्ट शेप है, या स्क्वेयर है. कौन सा फेस शेप है आप बताइए. देखिए एंगल, देखिए फेस का एंगल, देखिए ड्रॉ करिए कैसा दिखता है. अगर आपने स्क्वेयर बोला है तो आप एकदम सही हैं. यस, और आप अभी जीत चुके हैं $100 million, जो कि असली मनी नहीं है, राइट. जैसे कि आप फेस में देख रहे हो, एकदम स्ट्रेट, यहां से भी स्ट्रेट एंड 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 यहां से भी एकदम स्ट्रेट, राइट. फ्रॉम हेयर अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन. सी, दिस इज कॉल्ड अ राइट एग्जाम्पल फॉर स्क्वेयर फेस शेप. ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी के बारे में, सारा जेसिका पार्कर. आप लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में. इसका बहुत फेमस सीरियल था, मूवी था, सेक्स इन द सिटी, राइट. आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. इसके फेस से आपको क्या लगता है, इनका फेस जो है स्क्वेयर है, डायमंड है, या ओब्लोंग है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? अगर आपने बोला है ओब्लोंग तो आप एकदम राइट हो. सी, ये जो एरिया है ये काफी लंबा है. ये मान लो, अगर मैं मानता हूं वन पार्ट है, वन पार्ट, तो ये यहाँ पे डबल पार्ट है. तो ये लंबा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये लंबा है, दैट मीन्स ओब्लोंग. ओके, अभी हम बात करने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ी और फेमस सेलिब्रिटी है, और आप बोल सकते हो शी इज अ क्वीन, हाँ, बियॉन्से के बारे में. आप जैसे कि इनका फेस देख रहे हो, आपको क्या लगता है इनका फेस ओवल है, राउंड है, या हार्ट शेप है? देखिए, अपने दिमाग में आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इसका फेस कैसा दिख रहा है, यू नो, कैसा दिख रहा है. इनका जो फेस शेप है वो है ओवल. जैसे कि आपने देखा इनका फेस, एक्चुअली क्या, कैसे पता चलता है, वो बहुत ज्यादा यू नो राउंड एंड बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, और एकदम इवन है सब जगह से. सी, दैट्स कॉल्ड ओवल फेस. ओके, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, एक्चुअली सब लोगों को चाहिए ओवल फेस. ओवल फेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत अच्छा दिखता है हमेशा, और हर एक लड़की को वही चाहिए. नोबडी वांट अ स्क्वायर और राउंड फेस, यू नो. और ओवल में बहुत अच्छा दिखता है सब कुछ, इवन द हेयर कट्स, इवन द ड्रेसिंग, बिकॉज अगर आप कुछ भी पहनते हो तो वो आपके फेस के ऊपर कैरी हो जाता है, अच्छा लगता है. आप सोचते हो आपको कौन सा हेयर कट चाहिए, अगर आपके पास ओवल फेस शेप है तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा सोचने की टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज आपके पास एकदम राइट फेस शेप है. और सबको यही चाहिए, यू नो दैट. और इसमें कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ. ओके, ओवल फेस में क्या होता है कि जब भी आप हेयर कट करवाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लंट हेयर कट में जाएं. ब्लंट हेयर कट विल लुक गुड ऑलवेज, और बहुत अच्छा दिखता है, राइट. और उसमें काफ़ी सारी शेप होती है जो कि आपके फेस को भी फ्रेम करती है. और अगर आपको शॉर्ट हेयर कट में नहीं जाना है तो यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग हेयर कट. ओके, लॉन्ग हेयर कट में भी ब्लंट, लाइक स्ट्रेट ब्लंट करवा सकते हो आप, लंबे बालों में भी, और जिसमें फेस भी फ्रेम होगा. और अगर आपको बैंग्स भी कर सकते हो, बट डिपेंड वो कैसा दिखेगा, उसके लिए आपको एक नई वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें जाइएगा, ज़रूर देखिएगा. और फ्यूचर में मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा. ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शेप के बारे में. ओके, मैं उनके लिए ये सब बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो अपनी फेस शेप के हिसाब से कौन सा हेयर कट ले या फिर क्या करवाएं, यू नो.
और अगर जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं ज़्यादा सुनना या वो अपने आप जो करना चाहते हैं वो करें, आई डोंट केयर, राइट? ओके, जो हेयरकट करवाना चाहते हैं करवाए, आई डोंट केयर, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं राउंड फेस के बारे में, उस पर कौन सा हेयरकट अच्छा लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी ब्लंट हेयरकट मत करवाओ, बिकॉज अगर आप ब्लंट हेयरकट करवाते हो तो यहाँ पे और ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आने से वो और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। सो डोंट डू दैट प्लीज़। ओके, और इसमें क्या करवा सकते हो, यू कैन ऐड सम लेयर्स। ओके, यहाँ पे लेयर्स ऐड करवा सकते हो, जिससे क्या है आपकी जो चिक बोन्स हैं उसमें एक शेप मिल जाएगा विद द लेयर्स। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक यहाँ तक लेंथ रखिए, इससे ज़्यादा लेंथ ऊपर मत जाने दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ, यू नीड इट, उससे ज़्यादा कट मत करवाइए, और यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, इट्स नॉट गुड। और इसमें क्या बेनिफिट है जो मैंने बोला है आपको, यहाँ तक लेंथ रखें, यहाँ तक रखें या मैक्सिमम यहाँ तक रखें। इससे क्या होता है, जब आप स्ट्रेट ज़्यादातर लेयरिंग हेयर कट करवाते हो तो आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम है, वाइड है, जो बाहर आए हुए हैं राउंड फेस की वजह से, वो आपको शार्प लुक देगा, जिससे आपका फेस जो है वो ओवल दिखेगा। और सबको हेयर कट एक्चुअली ऐसा ही लेना चाहिए, जिससे आपका फेस शेप ओवल शेप में दिखना शुरू हो जाए विद द हेयर कट। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट हेयर कट यू कैन गेट इट, लेयर्स और मिनिमम दिस लेंथ और मैक्सिमम दिस, नॉट दिस। ओके, नाउ ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्वेयर फेस के बारे में। यस, उसमें क्या होता है एक्चुअली, काफ़ी सारे जो बोन्स हैं, जैसे ये जॉ लाइन है काफ़ी बाहर है, और इवन ये पार्ट भी काफ़ी स्क्वेयर होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको एकदम राउंड दिखाना चाहिए। इवन दिस पार्ट और इवन दिस पार्ट इज लाइक, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे राउंड एंड राउंड, ताकि आपकी ये जो बोन्स हैं ये शार्प दिखें विद द हेयर कट। इवन दिस पार्ट विद द बैंग इट विल लुक शार्प, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट हेयर कट फॉर यू। और इसमें लेंथ ये रखनी चाहिए आपको, मिनिमम दिस लेंथ दिस और दिस, मैक्सिमम लॉन्ग लेंथ, आई डोंट वांट कि ज़्यादा लॉन्ग हो, तो वो आपके मेरे अकॉर्डिंगली ये बेस्ट दिखेगा। बट अगर आपके ज़्यादा लंबे बाल हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसा करना चाहते हैं। ओके, और इसमें आप जब भी आपके पास राइट स्क्वेयर कट है, स्क्वेयर फेस है, स्क्वेयर कट नहीं स्क्वेयर फेस है, स्क्वेयर फेस में आप जब भी डिफरेंट ब्लो ड्राई भी करवा सकते हैं। ब्लो ड्राई से क्या होगा, आपका फेस को एक ओवल शेप दिखेगा, एक राउंडेड शेप दिखेगा, ताकि जो ये शार्पनेस है ये ज़्यादा ना दिखें। और मैं बोलूँगा कि आप लंबे बाल भी रखते हो तो गो फॉर अ बेस्ट हेयर कट जो कि लेयरिंग है, यू कैन ऐड सम वॉल्यूम, ओके, एंड डू सम लेयर ऑन द फ्रंट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ओब्लोंग के बारे में। ओब्लोंग में आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली जब भी ओब्लोंग फेस हो तो मैं बोलूँगा कि उसको स्ट्रेट ना दिखा के थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, और जितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा चिक बोन के पास वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये ऑलरेडी लॉन्ग फेस है, और लॉन्ग फेस पे हमेशा वॉल्यूम होगा, तो आई थिंक वो ओवल दिखना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, इट विल लुक राउंड, यू नो। एंड इस पे शॉर्ट हेयरकट बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कि ब्लंट ब्लंट और बॉब, इट विल लुक गुड ऑन दिस फेस बिकॉज वो लंबा फेस है, और उसमें बॉब बहुत अच्छा दिखेगा, ब्लंट बहुत अच्छा दिखेगा। गो फॉर इन्वर्टेड ब्लंट, इट विल लुक गुड। ओके, इसमें एक्चुअली अगर आप यहाँ पे फ्रिंजेस या बैंग्स करवाते हो तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, जिसकी वजह से जो आपका फोरहेड है, राइट, फोरहेड काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, और वो एकदम राउंडेड फेस शेप देता है आपको, राउंडेड फेस देता है, जिससे बहुत अलग अलग वेरिएशन में बहुत अलग अलग तरीके से आपका फेस अच्छा दिखता है। मैं आपको बोलूँगा आप लॉन्ग बैंग भी रख सकते हो, आईब्रो लेवल भी रख सकते हो, और आईब्रो के जस्ट ऊपर भी रख सकते हो। तो आई प्रेफर कि ये बेस्ट है जो आईब्रो के ऊपर एक लाइन से अगर आप बैंग कट करते हो तो, या करवाते हो तो, वो सबसे बेस्ट बैंग्स दिखते हैं, जिससे आपका फेस शेप्ड हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा विद द हेयर कट, विद द बैंग्स, विद द राउंडीनेस ओवर देयर, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो आपके फेस को एकदम राउंड शेप देगा। आई होप यू गेट इट, राइट।
ओके, अभी हम बात करने वाले हैं हार्डशिप के बारे में। हार्डशिप में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डिस्क्रीज करना है वॉल्यूम को और यहाँ पे ऐड करना है, उससे क्या होगा, आपका जो हार्डशिप फेस है वो बहुत अच्छा दिखेगा। और इस फेस के लिए सबसे बेस्ट हेयर कट है ब्लंट, शॉर्ट हेयर कट, आप इस पे बहुत अच्छे दिखते हैं। इवन लॉब हेयर कट विल लुक गुड ऑन दिस फेस, लॉब LOB। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको ये जो पार्ट है जो काफ़ी वाइड होता है बिकॉज ऑफ हार्ड शेप, ये यहाँ से वाइड होता है, तो इसको आप अच्छे से हाइड कर सकते हो। इस पार्ट को आप हाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है विद माय हेयर कट, आई हाइड दैट पोर्शन। और ये पोर्शन आप दिखा भी सकते हो एक साइड के बाल कान के पीछे करके, जिसमें आप बीच वेव करवा के शॉर्टर लेंथ बीच वेव, इट्स लुक गुड ऑन दैट। और ये हार्ड शेप हमेशा अच्छा दिखता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस है, चिन भी काफ़ी पॉइंटेड है, तो इट्स लुक गुड। और मैं आपको बोलूँगा, अगर आप लॉन्ग हेयर कट में जाते हो तो यू गो फॉर लेयर्स, ताकि जो इसको थोड़ा सा फ्रेम कर देंगे आपके फेस को, ओके, विद द लेयर्स। तो ये जो काफ़ी वाइड है बाहर है यहाँ से ये एरिया या फिर ये एरिया, तो इससे बैंग्स के साथ या फिर इसको काफ़ी ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हो विद द बैंग्स विद द लेयर्स ऑन द फ्रंट। ओके ओके, अभी हम बात करने वाले हैं डायमंड फेस के बारे में। डायमंड फेस एक्चुअली आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ये ऑलरेडी पॉइंटेड है, लॉन्ग है। और आपको क्या करना है, ये एरिया में कुछ ऐड वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और ये तो सेम वैसे ही रहने देना पड़ेगा क्योंकि वैसे ही है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है बाहर की तरफ है, और यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये बैलेंस दिखे, एकदम ओवल जैसा दिखे। अगर आपको ये ओवल फेस दिखाना है आपका डायमंड फेस, तो आप यही हेयर कट जैसे कि कोई भी लेंथ रख सकते हो, यू डोंट नीड टू यू नो, बालों को ऐसा कट नहीं करना है जिसकी वजह से आपका फेस लंबा दिखे, आप कोई भी लेंथ मतलब कहीं पे भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, और इसमें ज़्यादातर हेयर कट कौन सा अच्छा लगेगा उसके बारे में बात करता हूँ। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्ट्रेट हेयर कट विद द डायमंड फेस, जिसकी वजह से आपका ये जो पार्ट है काफ़ी बाहर होता है वो एकदम स्ट्रेट लुक दे, और आपका फेस ओवल दिखना शुरू हो जाएगा विद दैट। और आप एक साइड के बाल कान के पीछे भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड, एंड एक साइड के बाल यू नो सीधा छोड़ सकते हो। ओके, ये सब आज था, इतनी सारी नॉलेज आपको मैंने दी, आपको बताया कि आप कौन से फेस के साथ अपने फेस के साथ क्या कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपको हेयर कट के बारे में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और हेयर कट की वीडियोस देख सकते हैं, यस। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बेल का आइकन जो कि नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन के बाजू में है, बेल का आइकन उसको दबाइए, आपको हर बार मैसेज आएगा कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। और सबसे बड़ी बात आज के बारे में बताने वाला हूँ, आप सिर्फ एक चीज़ करना ज़रूर ज़रूर करनी है, भूलिएगा मत, अभी जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, उसको फॉलो करिए, आपको इंस्टाग्राम का नाम है हेयर सॉल्यूशन। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, होप यू लाइक इट। और अगर आपको बाकी सारे सोशल मीडिया भी मेरे देखने हैं तो उसके अलग अलग नाम, एक ही नाम है पर अलग अलग जगह पे, जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे है हेयर सॉल्यूशन। ओके, तो जाके देखिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।